Good morning, students. Today we will do the activity of pinhole camera. So this is pinhole camera in your NCERT book of class 6. So how can we make pinhole camera? Pinhole camera को हम कैसे बना सकते हैं? So what is the process? सबसे पहले हमें क्या लेना है? Two boxes. So this is one box. ये एक box है जो आपका कुछ सामान पैक को क्या आता है, जैसे आप शूज परचेज करते हो उसके लिए, तो वहां पे एक खाली बॉक्स मिलेगा आपको बिल्कुल. तो ऐसे ही सेम टू बॉक्स ले लिए हमने, ठीक है, पिनहोल कैमरा बनाने के लिए. तो एक बॉक्स क्या होगा साइज में थोड़ा सा बड़ा, वन बॉक्स इज स्लाइटली लार्जर, अदर बॉक्स इज स्लाइटली स्मॉलर. एक बॉक्स लार्जर साइज का होगा, दूसरा बॉक्स क्या होगा स्लाइटली स्मॉल साइज. जो लार्जर साइज वाला बॉक्स होगा उसको क्या करना है, इस साइड से कट करना है. हाउ यू विल कट, कट लाइक दिस, इस तरीके से कट कर देना एक साइड ओपन. और दूसरी साइड में कैसे करना है आपको, यू विल मेक वन होल एट द सेंटर, सेंटर में इस तरीके से होल बना लेना है. देन दिस बॉक्स इज ऑफ लार्जर साइज, ये बड़े साइज वाला बॉक्स है. नाउ इन द स्मॉल बॉक्स, ये स्मॉल बॉक्स है. देन इस स्मॉल बॉक्स के इस साइड में तो क्या किया हमने, ओपन रखा है, दिस इज ओपन साइडेड एंड द अदर साइडेड. बेटा इसको पकड़ के रखो ऐसे ना, दिस इज अदर साइड. इस अदर साइड में एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर विच इज ट्रांसलूसेंट. व्हाट इज ट्रांसलूसेंट, मींस थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली और थ्रू विच लाइट विल नॉट पास कंप्लीटली, जहां से लाइट पूरी तरीके से पास नहीं होती, ठीक है. और पेक के अंदर से तो बिल्कुल लाइट पास नहीं होती, ट्रांसपेरेंट के अंदर से बिल्कुल पूरी कंप्लीट लाइट पास हो जाती है, और ट्रांसलूसेंट में से ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट विल बी पास्ड. सो ये हमने लिया ट्रांसलूसेंट पेपर. अगर आपके पास नहीं है ट्रांसलूसेंट पेपर तो एक पेज लेके उसके ऊपर क्या है, ऑयल लगा दो, देन इट विल बिकम ट्रांसलूसेंट. नाउ ये ट्रांसलूसेंट पेपर जिस बॉक्स में हमने लगा रखा है, इस बॉक्स को नाउ यू कैन, ये लो इस बॉक्स को इसके अंदर डालो. नाउ दिस बॉय हैव प्रिपेयर्ड दिस पिनहोल कैमरा. सो इसको इसके अंदर डालने के बाद ये इस तरीके से, नाउ नाउ कार्तिक यू विल एडजस्ट दिस कैमरा इन फ्रंट ऑफ दिस कैंडल फ्लेम. इस कैंडल फ्लेम के सामने थोड़ा सा ऊपर रख के, नाउ यू विल ट्राई टू सी दिस कैंडल फ्लेम बाय एडजस्टिंग. इसको एडजस्ट करो धीरे धीरे आगे और पीछे, और यहां पे इस पिन होल कैमरा के अंदर आप देखोगे, हाँ ये जैसे एडजस्ट कर रहा है बाहर की तरफ आ रहा है, देन इसको आप अंदर की तरफ भी कर सकते हो इसकी पूरे. तो दिस इज कॉल्ड एडजस्टिंग, बीच वाला जो छोटा वाला बॉक्स है दैट इज कॉल्ड एडजस्टिंग बॉक्स. तो इसको एडजस्ट करके कार्तिक विल सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल. और ये कैंडल की फ्लेम कैसे दिखाई देगी इसको मिरर, इस पिन होल कैमरा के अंदर, इन्वर्टेड. इन्वर्टेड मतलब कैमरा के अंदर इसको ये ऐसे दिखाई देगी उल्टी, सो दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज. उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज. तो यू कैन सी इट विद द हेल्प ऑफ पिन होल कैमरा. यहां से अगर थोड़ा सा अंदर से दिखाई देता तो चलो हम कोशिश करके देखते हैं. कार्तिक लेट वी विल सी विद द हेल्प ऑफ कैमरा. कैमरे की हेल्प से दिखाई दे रहा है, कैमरे की हेल्प से तो नहीं दिखाई दे रहा यहां पे अच्छी तरीके से, बट वी हैव टू सी विद आवर आईज. ओके तो हम खुद देखेंगे इसके अंदर से, देन ओनली वी आर एबल टू सी दिस इन्वर्टेड इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम. सो सभी को ये एक्टिविटी क्लियरली समझ आ गई, हमने कैसे पिनहोल कैमरा देखा बनाया एंड हाउ द दिस कैमरा वर्क, किस तरीके से इसको एडजस्ट करके और कैमरा के अंदर से हमें इन्वर्टेड इमेज देखिए. अंडरस्टूड? यस मैम. ओके थैंक यू स्टूडेंट.